अस्सलामुअलैकुम। आयशा की मौत ने उन तमाम रूहों को झिझोड़ कर रख दिया है जिनमें आज भी ज़मीर जिंदा बाकी है। मैं आज आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों से। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई भी मसला आए, कभी कोई भी परेशानी आए, तो उसका डटकर मुकाबला कीजिए। जान लेना, जान देना किसी मसले का हल नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आई हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और जब परेशानियाँ देने वाला वो है तो कोई ना कोई हल भी होगा उस परेशानी का। लेकिन अपनी परेशानी से आजिज आकर अपनी ज़िंदगी से हार मत मानिए, अपनी परेशानियों से लड़ना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए, अपने अंदर हौसला बाकी रखिए। ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकेले हैं, अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा है। वो सुना है ना, जब कोई नहीं होता है उस वक्त अल्लाह होता है, जब कोई नहीं सुनता है उस वक्त अल्लाह सुनता है, जब कोई नहीं देखता है उस वक्त अल्लाह देखता है, जब कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है उस वक्त अल्लाह आपके सपोर्ट में खड़ा होता है। पर हमें इस बात का एहसास नहीं होता। हम लड़कियां जो होती हैं ना, बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत। अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी मजबूत बनाया है। ज़िंदगी के हालात से लड़ना सीखिए, ज़िंदगी के हालात से हार मानकर अपनी जान यूं ना गवाइए। ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है, अल्लाह ताला ने हमें जो अपनी ये ज़िंदगी दी है एक ख़ास मकसद के लिए दी है। उस ख़ास मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को जिए, किसी इंसान के लिए मत जिए।